हाँ अरे क्या बॉस बॉस बॉस, सारा दिमाग का दही कर कर गया, दिन भर टारगेट टारगेट करता रहता। मन करता है ऐसा पत्थर पे टारगेट लिख के फेंकू ना उसके ऊपर। वो सब छोड़ो ना, तुम बताओ। कुशल बेचप, टाइम ही टाइम है, क्या है, कोई भी आ जाता है। कुशल अबे हट। हाँ कुशल, कौन है ये लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट वांट टू वर्क एंड जब देखो दे आस्किंग फॉर द डे ऑफ। डे ऑफ? साले ने मेरा पूरा मूड ऑफ करके रखा है। अगर इससे दो दिन की छुट्टी मांग लियो ना तो ऐसा लगता है इसकी दोनों किडनियां मांग लियो मैंने। किडनी में स्टोन तो पहले से था, अब तो बीपी भी हाई हो गए साला, अब तो बाल भी झड़ने लग गए। टकला हो गया मैं, टकला साला, टकला। दिन भर टारगेट टारगेट करता रहता है। हम लोग का लाइफ में और कुछ काम मिलना नहीं है क्या? साला खुद तो अंदर बैठ के काम सुनता दिखता रहेगा। Excuse me, sir. Yes. आज मेरा 85% टारगेट खत्म हो गया और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो क्या मैं घर पे जा सकता हूँ? What? 85%? Excuse me, sir. Yes. आज से 45% टारगेट कंप्लीट हुआ है। इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, सो मी एंड माय फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू गो समवेयर, सो कैन आई टेक अ लीव सर? या नो प्रॉब्लम, यू मे टेक अ लीव, वी विल कंप्लीट आवर वर्क इन एक्स्ट्रास। थैंक यू सो मच सर। अरे तुम अब तक यहां खड़े हो? गो एंड कंप्लीट योर वर्क, आई वांट इट टुडे इटसेल्फ। टुडे इटसेल्फ? साले यहाँ रात रात भर काम करते करते ना मेरी ज़ॉम्बियों जैसी हालत हो गई है। थोड़े दिन और ऐसा चलता रहा ना तो मेरी गर्लफ्रेंड तो छोड़, मेरी माँ भी मुझे पहचानने से इनकार कर देगी। नहीं देगी, कोई भी कंपनी काम नहीं देगी। सुबह लेट आते हैं और शाम को जल्दी जाना होता है, ऊपर से इनके बहाने। हेलो सर, एक्चुअली ना मेरे दादाजी ऑफ हो गए, सो मैं आज काम पे नहीं आ पाऊंगा। ओके हेलो सर, एक्चुअली ना मेरे दादाजी फिर से ऑफ हो गए। नहीं, वो मेरे बड़े दादाजी थे, इस टाइम मेरे छोटे दादाजी ऑफ हुए। ओके सर। अरे ये तो अब तक काम कर रहा है। Maybe I was wrong. ये वैसा नहीं जिसे मैंने सोचा था। ये तो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। घर बेच देता हूँ इसको। Yes sir. You are still working? Just go home. टारगेट तो आते ही रहेंगे। Just go and spend a time with your family. Okay sir. कैसा लगा मेरा आइडिया?